देखो लेटरल शिफ्ट क्या है, बहुत आसान है, दो लाइन में खत्म हो जाएगी। एक ग्लास स्लैब है, ठीक, लाइट आई, लाइट जब ग्लास स्लैब में एंटर करेगी तो नॉर्मल से पास चली जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, इस नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ऐसे गई, ये एक्चुअल पाथ है। अगर ग्लास स्लैब में लाइट रिफ्रैक्ट ना होती तो लाइट सीधी ऐसे पास करती, सीधी चली जाती, ऐसे ही था, सीधी चली जाती। तो ग्लास स्लैब के अंदर मैक्सिमम दूरी परपेंडिकुलर दोनों इस पाथ में कितनी है, ये आएगी डी, इससे ऊपर तो नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम दूरी लाइट में कितनी है, डी। तो लाइट को जाना ऐसे था, गई वो ऐसे, तो मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच में कितना है, डी। तो डी को क्या बोलते हैं, कौन सी शिफ्ट है, लेटरल शिफ्ट है, टेढ़ी हो गई, लेटरल शिफ्ट है, नॉर्मल नहीं है, साइड शिफ्ट है। क्लियर है यहां तक? तो मुझे ये निकालना है डी कितना है, सिंपल है, करना कुछ नहीं है इसमें, एक लाइन का काम है, ये आई है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल ढूंढूं, तो ये अगर आई है तो ये टोटल एंगल क्या होगा, आई, इसमें से ये एंगल क्या होगा, आर, तो ये एंगल क्या होगा, आई माइनस आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, ये आर है तो ऑल्टरनेट से ये भी आर है, चलो चाहिए नहीं वो अलग बात है, बस एक ही स्टेप देखना आप इसमें, आप इसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल कितने है, आई में से आर गया, आई माइनस आर, तो बोलो साइन ऑफ आई माइनस आर क्या होगा, दिस डी डिवाइडेड बाय कितना, ओ क्यू, ओ क्यू, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, ओ क्यू इन टू साइन ऑफ आई माइनस आर, ये रेशियो क्लियर है, राइट, साइन ऑफ आई माइनस आर ले लिया, तो यहां से डी कैन बी कैलकुलेटेड, ये देखो, ठीक है, डी आ गया। तो अगर मैं अब ओ क्यू की वैल्यू बता दूं, डी आ जाएगा। अब ओ क्यू कैसे निकलेगा, आप एक काम करो, ये जो थिकनेस है स्लैब की वो टी है, ये देखो टी है, ये रही, तो अगर ये टी है तो आप ये राइट एंगल ट्राइंगल लें, इसमें कॉस ऑफ आर बोले क्या होगा, टी डिवाइडेड बाय कितना, ओ क्यू, टी बाय ओ क्यू, तो ओ क्यू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, टी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ आर। तो आप यहां पर ओ क्यू की जगह क्या पुट कर सकते हैं, टी बाय कॉस आर, ये देखो, तो आप ऊपर पुट करें, लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया, हालांकि लेटरल शिफ्ट अति कम है, लेकिन समझ में आ रहा है करना क्या, दो ट्राइंगल लेके आंसर आ गया।